તમે સ્ટાર્ટ કરીવા આજનો ટોપિક ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ હેમેટોલોજી એનાલાઇઝર દેર હિસ્ટોગ્રામ્સ સ્કેટરગ્રામ્સ ફ્લેગ્સ એલોગ્રામ્સ ચારિટા વર્ડ છે હેમેટોલોજી એનાલાઇઝર અમે સમસ્તે બુઝુછું હિસ્ટોગ્રામ કોણ સ્કેટરગ્રામ કોણ ફ્લેગ કોણ એલોગ્રામ કોણ એ ચારટા જિંસ આપણ ચારટા વર્ડ બેઠો મને રખુતો એ ચારિટે જિંસ આપણકુ હેલ્પ કરીબો ટુ ઇન્ટરપ્રેટ કી જો જિંસ ભી આપણ રિપોર્ટ ટી પાઉછો ટી ઇઝ કરેક્ટ ઓર નોટ ઇફ કરેક્ટ આગુ કોણ કરા જઈ પારિબો छोटो रिकैप डे वन आपन समस्त देखिले इम्पेडेंस मेथड समस्त देखिछन्ती इम्पेडेंस मेथड सेल काउंटिंग रो एटा बेसिक ऑफ सेल काउंटिंग मोर छोटो रिकैप दउची वीडियो जो थे हम देखिलु सेल काउंटिंग केमिति होउची जे कोन से सेल हो डब्ल्यूबीसी हो प्लेटलेट हो आरबीसी हो सेल काउंटिंग डिजिटल माध्यम जो पल्स टी आसुची इंपल्स टी आसुची ताको कैप्चर करी ताको गोटे नंबर ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम वॉल्यूम अनुसार ताको सजे देले गोटे कर्व आमे पाउचू जोटा को कहुची हिस्टोग्राम आपको चारटा वर्ड कहते हिस्टोग्राम स्कैटरग्राम एलोग्राम एंड एटा होची डीटी चैम्बर लास्ट थर देखते गोटे हूँ डब्ल्यूबीसी काउंटिंग गोटे हूँ आरबीसी काउंटिंग आरबीसी काउंट अधिका गत कल क्लास शुणुए आपे जानते कि आरबीसी प्रिपेड काउंट जो अधिका से डायल्यूशन अधिक मात्रा दरकार सेकेंड चैम्बर को नौ आज डब्ल्यूबीसी काउंट हम सी आरबीसी लाइस हवा दरकार मानते आरबीसी गुड़िक नष्ट हवा दरकार प्लेटेड गुड़ नष्ट हवा दरकार से डब्ल्यूबीसी चैम्बर में मिनिलाइज एड हुए एटा हूँ डब्ल्यूबीसी डिफरेंशिएशन दीटा बेसिस गोटे वॉल्यूम जो देखिए साइज अनुसार आउ गोटे हूँ अब्जॉर्बेंस ताऊपर को गोटे लाइट छड़ा हो लेजर लाइट से केमी से रिफ्लेक्ट कर अब्जॉर्ब कर देखिक आम जानू कि सी कौ प्रकार सेल जदि मुझे बुझे चेष्टा करी कि जेकोसी मनीष को आम प्रथम कैटेगोरीज केमी करूँ डेगा मनीष पतला मनीष मोटा मनीष बांगरा मनीष सेहीपरी सेल मध्य प्रथम कैटेगोराइज हो गले छोट सेल मैंने लिम्फोसाइट हेले कि बड़ सेल किंतु केवल से चिन्ह आम जथेष नुह प्रत्येक लोक को जानवाक आम तर प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स जाना दरकार कि चुट्टी छोट तर नाक बड़ आखि केमी से तार कैरेक्टरिस्टिक्स सेमती गोटे सेल रबजर्वांस डिपेंड करमिका ग्रान्युल्स अच्छी केमिका कम्प्लेक्स तार स्ट्रक्चर से ही अनुसार सी तार डिफरेंशिएट करिवो मशीन एटा होची डिफरेंशिएशन ऑन बेसिस ऑफ वॉल्यूम अपन देख परिबे एटा वॉल्यूम डिफरेंशिएशन एटा अब्सॉर्बेंस डिफरेंशिएशन ए दीट पैरामीटर को नहीं तो ये सारांश कौन मुझे बुझी मैनुअल मेथड इज इक्वल टू ऑटोमेटेड मेथड जड़े किए रेस कर हाथ बोध प्रदीप कर बुझार अच्छे आपन को प्रदीप कुमार ठीक अच्छे कंटिन्यू करवा तो मोर सारांश हूँ मत लगे आप कनसीडर करेंगे कि आप कनक्लूजन से हम कि मैनुअल मेथड इज इक्वल टू ऑटोमेटेड मेथड जदि ये आउ डिटेल्स बुझा को जी से कह मैनुअल ऑटोमेटेड मेथड इज इक्वल टू मैनुअल मेथड एक्यूरेसी प्रेसीजन एंड स्पीड सारे एक्यूरेसी कौन प्रेसीजन कौन और स्पीड आम समस्त जानू तो ये चारिटी को जिनस कनसीडर करूँ ऑटोमेटेड मेथड और
in brief, automated method is equal to manual method plus cost effectiveness. Cost effective. Cost ethipai time bonchouchi. Ame adhika sample process kori parchu. Less manpower consume korchi. Effective ethipai ame gote loko count korthilu eti tinta channel count korchi. Ame eti gote thara count korthilu 100 cell ya 1000 cell count korchi. So ethipai it is more cost effective. So automated is equal to manual plus cost effective. But prathom line ta kon bhul. Manual is equal to automated kon bhul. मो हिसाब से नुहे देख आप समस्त मैनुअल मेथड करेंगे जो गोटे हेमोग्लोबिन डीसीजीएलसी कर प्रिस्क्रिप्शन लिखाई आसे आज टेस्ट मोस्ट कमनली करती गोटे हेमोग्लोबिन मापती सालिस मेथड करती किसी जन आजिकल केमिस्ट्री एनालाइजर में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हेमोग्लोबिन मेजरमेंट क्वांटिटेटिव हेमोग्लोबिन मेजरमेंट ता छड़ा आरबीसी काउंट आरबीसी पीपेड पढ़े पढ़ला मन थी आरबीसी पीपेड डोमिनेशन पीपेड दी प्रकार थाए डायल्यूशन फ्लूइड नहीं पिपेटिंग माउथ पिपेटिंग कराए न्यूबर चैंबर रे विभिन्न स्क्वायर रे काउंट कराए डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट तो प्रथम चार जाकर हेमोग्लोबिनोमीटर यूज करू आउ न्यूबर चैंबर यूज करू चार नंबर पॉइंट हूँ आम डिफरेंशियल काउंट करने कौन कर डिफरेंशियल काउंट करने यूज कर स्लाइड रिव्यू स्लाइड रे देखु आप माइक्रोस्कोप यूज कर स्लाइड देखापी हूँ कौन तले गोटे लाइट सोर्स अच्छी जोटा कि लाइट को ऊपर को पठाऊँगी स्लाइड थ्रु रु आसा आप जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट जो अच्छी लाइटेड करुच्चर विभिन्न प्रकार ग्रान्यूल्स अच्छा जी अलग अलग कलर नहीं स्टेनिंग द्वारा तो आप डिफरेनसीएट कर अच्छा ये गोटे आरबीसी ये गोटे डब्ल्यूबीसी ये गोटे स्मल लिम्फोसाइट ये गोटे लार्ज लिम्फोसाइट এটা গোটে নিউট্রোফিল এটা গোটে ইউসিনোফিল অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার গ্রানুলেশন তাঁর শেপ তাঁর সাইজ অফ দি নিউক্লিয়াস শেপ অফ দি নিউক্লিয়াস এই সব জিনিস নিয়ে আপনি ডিফারেন্সিয়েশন করছেন সেম জিনিস এটা আপনি করছেন ম্যানুয়ালি ইকুইপমেন্ট কোন করছে আখি জায়গায় তার আছে ফিল্টার যেটা কি অ্যাবজর্ব করিব লাইট সোর্স তার বি আছে মাইক্রোস্কোপ ভরে তোর গোটে লেজার লাইট দিয়া হয়েছে তো সি যাই দেখুছি কত লাইট স্ক্যাটার করছে কত লাইট সিধা পড়ুছি কত লাইট রিফ্লেক্ট হচ্ছে तो ये सब जिन क्यारेक्टराइज कर अच्छा ये सेलटा तार जो प्रोग्रामिंग कराई कई प्रकार रिफ्लेक्टेंस प्रकार अब्जॉर्बेंस है सेल तो सी आज चिंता करनी मुखस्त कर रखी सी कहीदे कि अच्छा यही प्रकार लाइट रे आसे यही प्रकार डब्ल्यूबीसी तो आपड़ जो सर्वमोट देखिए गोटे मैनुआल मेथड सीबीसी करवा गोटे ऑटोमेटेड मेथड सीबीसी करवा बेसिक फंडामेंटल जो कांसेप्ट is same ame kichi number cell gonuchu jeta se machine modhe gonuchi ame itre kichi morphology dekhuchu ba cell kemti dekhauchi ta chinuchu se modhe kichi upare ta light pokei chinuchi to apan jodi dekhibe ki automated cell analyzer jete ame kahu advance heiglani but it is still same or based on the technology jeta ke amo brain ta ko use korchu ta chhora जो 18 बा 22 पैरामीटर हम कहि भी सीबीसी बाकी पैरामीटर होची कैलकुलेटेड पैरामीटर्स लाइक एमसीबी एमसीएच एनसीएच आरडीडब्ल्यू पीडीडब्ल्यू ये सब पैरामीटर जो अच्छी वो सब कैलकुलेटेड पैरामीटर्स तो गोटे आप जो प्रथम देखी कि एनालाइजर इंपेडेंस मेथड गोटे दीटा चैनल अच्छी गोटे डब्ल्यूबीसी चैनल गोटे आरबीसी बा प्लेटलेट चैनल आरबीसी बा प्लेटलेट चैनल रे ए डीटी एनालिसिस होउची जेतर आरबीसी लाइसिस कर दउछ आर चैनल रे डब्ल्यूबीसी होउची मेजर तो इथरा अपन देखु दु प्लेटलेट जेतर मेजर होउची एटी कर्व गुटा छ स्मूथ कर्व तळु आरंभ होईची हाईएस्ट तर पाखा पाकी 7 बा 8 जोटा कि तर मीन प्लेटलेट वॉल्यूम आप देखिए 7 बा 8 आस कोड़े पाखापाखि कमी की तल को टच कर सिमिलरली आरबीसी रे आरंभ हो 35 पर धीरे धीरे बढ़ुच्छे पिक आस अराउंड 75 रु 85 मध्य पुणी खसुची जो आम कहूँ प्लट ये प्लट आप कौन बुझे 36 कौन 100 कौन यहाँ हूँ तरह वॉल्यूम एपट साइड कौन अच्छी वाई एक्सीस वाई एक्सीस अच्छी के वॉल्यूम रही এইটা গোটে হিস্টোগ্রাম ভলিউম ভার্সেস ভলিউম এক্স এক্সিস রে ওয়াই এক্সিস নম্বর কতটা সেল সেই সাইজ র
अच्छा से अनुसार आम यू प्लॉटिंग कर जिते गोटे सीबीसी रिपोर्ट आसी हाथ को इक्विपमेंट रन है आपत कौन कौन जिन अच्छे देखिए जे ये इंटरप्रेट करहब ना सब इम्पोर्टेन्ट जिनस हूँ प्रथम देखिए कि हेमेटोक्रिट के हेमेटोक्रिट जेनेल भैल्यू हूँ 34 प्लस माइनस 2 33 पॉइंट 5 प्लस माइनस 2 कौन सी कारण जी 36 ऊर्ध थ रन टी को आपन इमीडिएटली वैलिडेट करि परिबे नै आपन निहाते देखिया पड़ो किछो उटा असुविधा अछि ता छोडा आरबीसी लिनेज माने आरबीसी रे जो हिस्टोग्राम आपन को देखैली सही हिस्टोग्राम देखिबे ता अगेंस्ट किछे अलर्म बा फ्लैगिंग होउची सेकि दुगो देखिबे तापर प्लेटलेट पे देखिबे डब्ल्यूबीसी पे देखिबे माने गोटे सीबीसी रो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आसुची ताको इंटरप्रेट करिबा अगुरु बा रिलीज करिबा अगुरु आपण ए चारटा इंटरनल कंट्रोल माने जो द्वारा कि आपण चेक करि परिबे आपण रन टा ठीक है कि ना नाही आपण कंट्रोल तो सकाळे लगेबे कंट्रोल लगे सला परे मध्ये सेही रन रे काळे किछ असुविधा अछि कि सैंपल टा काळे खराब अछि कि जानिया पे ई जिंस गुडी को निहाती आवश्यक मन लखन तो एमसीएचसी 36 उर्ध एबे मध्ये रिपोर्ट तक रिलीज करिबे नाही आणि आपण मु साइंटिफिकली कहूची एमसीएचसी आपण जानी डिराइव केमती हुए एमसीएचसी हूँ एमसीएच माने मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी एमसीएच डिवाइडेड बाय एमसीवी इज इक्वल टू एमसीएचसी मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंटेंट गोटे आरबीसी बा कॉर्पस्कुल भितरे रेड ब्लड कॉर्पस्कुल भितरे केते हेमोग्लोबिन कंटेंट अछि सेटा को आमे मापुछ एमसीएचसी द्वारा ताको हमें पाउच एम सी एच डिवाइडेड बाय एम सी वी करी एम सी एच कौ आसान एम सी एच आसुची हेमोग्लोबिन रु टोटल हेमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय टोटल आरबीसी टोटल हेमोग्लोबिन आम मापिल 14 बा 13 बा 12 जहाँ आसे बाय टोटल आरबीसी हम करलु जो वैल्यू टा आसुची सेटा होची मीन माने गोटे रेड ब्लड सेल भितरे नाली कोशिका भितरे केते हेमोग्लोबिन अछि से वैल्यू टू जमा पड़छि एमसीएच तो जदि 36 रो अधिक एमसीएच रहिबो माने आपन को एमसीएच भी हाई रहिबो माने आपन को हेमोग्लोबिन मध्ये हाई रहिबो साइंस कहूछि जे 36 रो अधिक रहूछि एमसीएच से रेड ब्लड सेल केबे बचि परिबो नाही इट इज इम्पॉसिबल कि से काउंटिंग ठीक अछि कोनोसी कारण नु अन्य कारण नु एमसीएचसी हाई आसी के बेबी गुटे नॉर्मल बा ठीक आरबीसी रो एमसीएचसी 36 रो अधिक रहि परिबे नि से सेल मरि जिवो इमीडिएटली तो आपन के मन रखतिबे एमसीएचसी इज द बेस्ट इंटरनल कंट्रोल ऑफ ए सीबीसी एमसीएचसी एमसीवी अनुसार आप मैंने जानते नॉर्मल वैल्यू 80 टू 96 फेमटोलीटर एफ एल होची फेमटोलीटर तो आम देखू कि 80 रु कम जो थाए से तक माइक्रोसाइटोसिस माइक्रो मान सान साइटोसिस मान सेल छोट सेल आयानबे 94 रु अधिक थाए तो कह जाए मैक्रोसाइटोसिस एमसीएच कम थी कह जाए हाइपोक्रोमिया क्रोमिया मान रंग हाइपो माने कम हाइपो क्रोमिया तो आपण देखिबे तापर आउट पैरामीटर होउछ आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ता माने कौन रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ आम जो जो स्कैटर प्लॉट देख लु ये आप देखु ये देखो रेड सेल यू आरंभ हो विभिन्न साइज रेड सेल 35 रो आरंभ हो हाईएस्ट पड़ा 75 76 बेलू खसी खसिक 105 बा 110 बेलू खसी आसला ये जो देखुच्च भेर
एटा होची विड्थ डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ माने केते प्रकार रो रेड सेल छंती जदि आपन गोटे लोकर विभिन्न प्रकार रो रेड सेल छंती माइक्रोसाइट छंती मैक्रोसाइट छंती नॉर्मोसाइट छंती तले ए विड्थ रा बढी जीवो केमिति होबो एटा चौड़ा हे जीवो बा गोटे देखले पेशेंट तार केवल गोटे प्रकार सेल देखा हो किसी भी एपर सपोर्ट ना तार पतला आसो विड्थ तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ हूँ ये जो देखुं अपन प्लॉट प्लॉट रो विड्थ कह जाए रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ माने सिंपल भाषा जब कह स्मियर रे देखिए केते प्रकार आरबीसी देखिए तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ रु आपको कौन मिले एन आइसोसाइटोसिस एन माने जोटा कि नुह आइसो समान माने असमान साइटोसिस असमान केतेटा सेल अछंती सेटा देखाय आरडीडब्ल्यू जेतला मैं आरडीडब्ल्यू कहू आमे बुझु कि केते प्रकार रो सेल सेई सैंपल ले अछंती एबे देखन तो केस एमसीएच आसतला 41.5 ताको इतला किछ समय इनक्यूबेशन करी कि आउटर रन करा गला एमसीएच आसला 33.4 एही रन रो आपण रिपोर्ट देई परिबे नाही काही कि एठी कोन हितला किछ गुडी को किछ कंडीशन कोन हुए आरबीसी आरबीसी जोडी जांती सिगुरु को जे कोल्ड एग्लुटिनेशन जो तो ठंडा टेम्परेचर ठंडा माने 37 डिग्री कम 25 डिग्री पाखा पाकी सिमति परस्पर सहित चिटी जीव आरबीसी तो कौन हम आपन जो आरबीसी काउंट हो सी अधिका काउंट हम किंतु एठी करेक्शन हो गला जिते बड़े नॉर्मल 37 डिग्री को अणगला तो एमसीएच 36 रो आसीबार अधिक आसीबार कारण कौन गोटे हूँ कोल्ड एग्लुटिनेशन गोटे हूँ जदि आप कोल्ड एग्लुटिनेशन ठीक नहला जोटा कि आप इमिडिएटली आप सर्विस इंजीनियर कॉल करेंगे कॉल लॉग करेंगे सेटा हूँ इम्प्रॉपर इक्विपमेंट कैलिब्रेशन बहुत समय इक्विपमेंट बहुत दिन मेंटेनेंस नहले सेथरे किसरा त्रुटि आसी थाए ता द्वारा एमसीएच आपंकर हाई कैलकुलेट होवार बहुत चांसेस थाए तापरे आसे वाटर फ्लैग्स फ्लैग कौन अलार्म कौन मु चार्टा वर्ड कहती स्कैटरग्राम कौन हिस्टोग्राम कौन फ्लैग कौन अलार्म कौन स्कैटरग्राम है जो लेजर रे पड़ला जो डिफरेंशिएशन है विभिन्न प्रकार सेल विभिन्न जगह आसिले सेटा होची स्कैटरग्राम डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम आउ एब्जॉर्बेंस जोटा आपण देखिले जे गोटे कर्व केरी हेची बाय एक्सट्रापोलेटिंग उपरे हमर वाई एक्सिस अछि तारो नंबर ऑफ सेल्स आउ एक्स एक्सिस अछि तारो वॉल्यूम गोटे गोटे सेल रो साइज केते नै केतरा सेल केतरा वॉल्यूम रो अछि जदि हम प्लॉटिंग करिवु सेटा होची हिस्टोग्राम तापर अछि फ्लैग एवं अलार्म्स अच्छा अलार्म कौन जी आप बुझे साधा भाषा आप छाला अलार्म दिखती छटा बाजिले घंटा बाजब आप उठे अलार्म दिखती आप समस्त आजिकल डिजिटल वाच यूज करेंगे हार्ट रेट 100 रु अधिक है अलार्म दब 12 बाजिले मत अलार्म दब पा पीवाई तो सेगुड़ा हूँ जेकोसी नॉर्मल पैरामीटर गोटे सीबीसी रे जो पैरामीटर आसिया कथा नॉर्मल लोक जो पैरामीटर आसिया कथा से गुड़क अधिक बा कम बा भूल आसिले से गुड़क अलार्म रेज करे रिजल्ट्स आउटसाइड नॉर्मल रेंजेस जो जिन आसिया कथा से गुड़क अधिक बा कम आसिले से गुड़क कहा जाए अलार्म फ्लैग कौन जो आसवर ना ब्लास्ट आसवर ना मलेरिया पारासीट आसवर ना एटिपिकल लिम्फोसाइट आसवर ना एनआरबीसी आसवर ना नॉर्मल मनुष्य से गुड़िक हले फ्लैग ये गोटे नॉर्मल सीबीसी रन आप देखते मार्क करते ग्रीन कलर बटन अच्छे ग्रीन माने मशीन कहूँ कि आपन को रन नॉर्मल अच्छी आपन एमसीएच देखंतु 33.3 ठीक अच्छी आरबीसी प्लॉट ठीक अच्छी
टिके पटे चौड़ा अच्छी टिके जगह चौड़ा अच्छी बट इग्नोर करियो वो प्लेटलेट देखो तो ठीक उठी ची ठीक तले ऐसे लगी ची इधर डिफरेंशियल काउंट देखो तो आरबीसी ठीक अच्छी प्लेटलेट अपन को ठीक अच्छी एमसीएच ठीक अच्छी टोटल डब्ल्यूसी काउंट ठीक अच्छी आरडीडब्ल्यू ठीक अच्छी 14 कम रहे कथा डिफरेंशियल काउंट देखिबे लिम्फोसाइट गुटे क्लीन क्लस्टर कुछ क्लस्टर माने कोन एकजुट होबा सब लिम्फोसाइट पाखा पाखे अछन्थि एमति न कि बहुत वैरायटी ऑफ लिम्फोसाइट अछन्थि टिपिकल लिम्फोसाइट जेन देखा जाय कथा सेमति दिसछन्थि न्यूट्रोफिल भी क्लियर अछि एतिकेर न्यूट्रोफिल एटा होची मोनोसाइट एउटा जो आछी इयोसिनोफिल न्यूट्रोफिल मोनोसाइट लिम्फोसाइट एई जगह रे बेसोफिल आसी नाही थिले एई जगह रे बेसोफिल आसंता ए जो 0.02% अछि ए गोटे गोटे नालिया बेसोफिल जुरा आपन को देखा जाउछ बुझि पाले तो ए प्लॉट ठीक अछि आमे रिपोर्ट को दे दे परिबु किंतु जदि गोटे ऑरेंज अछि कहीं की ऑरेंज अछि ना सिटी देखौछि कि सिटी फ्लैग अछि एन आइसोसाइटोसिस आउ न्यूट्रोपेनिया लोक नॉर्मल लोक रे न्यूट्रोपेनिया आसीबा कथा नुह एठी आसुछि एन आइसोसाइटोसिस कहीं की ना आरडीडब्ल्यू देखंतु आपनकर 70 रो अधिक अछि एटा कोन पे अधिक आला आपण देखंतु नॉर्मल अपेक्षा ए जो विड्थ टा मापुन देबे अधिक अछि ए विड्थ तो आपनकर एन आइसोसाइटोसिस रो कारण होउछि एटा आउ न्यूट्रोपेनिया रो कारण होउछि एटा तो ए केस रे सी फ्लैगिंग दउछि ऑरेंज कि केयरफुल हे चलंतु ट्रैफिक लाइट भलिया एटा ऑरेंज चिन्ह आपन को दउछि किंतु जदि रेड दउछि माने आपन कोनोसी रिएजेंट सरी हिछि सेही केस रे सी दबो रेड ब्लू जदि किछि आपनकर क्लिनिकल डायग्नोसिस जेंति कि मलेरिया देखौछि बा ल्यूकेमिया कहौछि ब्लास्ट अछि एनआरबीसी अछि सेही केस से ब्लू चिन्ह दबो आ ग्रीन हला नॉर्मल आपन देखिथिबे प्रीवियसली रे ग्रीन थिला एटा रहछि ऑरेंज ऑरेंज माने वेट एंड गो ग्रीन माने प्लीज गो रेड माने स्टॉप ब्लू माने प्लीज देखो कोन अछि क्लिनिकली कोन से कहौछि कारण पेशेंट निहाती पछि जदि पेशेंट आपन रिपोर्ट नहुछि आमर बहुत समय रे आम रिपोर्ट रे जिनस गुड़ी को रोहु नहीं तो पेशेंट आपको पचार सर मुझे कौन करिया कथा क्लिनिकल फ्लैग्स रोहु नहीं से कि सर पेशेंट को एडवाइस कर पिरु कि सर आपनकर एमिति बा अनुमानिक ए जिनस असुविधा थाई परे आपन ठीक आगु को इवैल्यूएट करंतु तो एटा होची बेनिफिट फ्लैगिंग रो ना आपन को हम चट्टाइन से बुझेली हिस्टोग्राम कौन स्कैटरग्राम कौन फ्लैग कौन अलार्म कौन एबे हमें देखिबा प्रत्येक टी पैरामीटर वाइज जीवा केमिति आरो इंटरप्रिटेशन करा जाय प्रथम स्टार्ट करिबा आरबीसी आपन मने पड़थो दीटी चैनल थाय गोटा आरबीसी काउंटिंग आ प्लेटलेट काउंटिंग आ गोटे होची डब्ल्यूबीसी काउंटिंग डब्ल्यूबीसी काउंटिंग छोड़ा आ गोटे होची स्कैटर फ्लो बेस्ड स्कैटर आरबीसी जतले काउंट होची गोटे इंपेडेंस मेथड रे काउंट होची सेतरे आमे पाउचो गोटे आरबीसी प्लॉट बा हिस्टोग्राम एटा होची आरबीसी हिस्टोग्राम ना एबे दी इफ देखाउ देखंतु दीटा आंसर मीक लिखाई छी मैक लिखाई छी मीक माने कोन ना माइक्रो साइट सेल्स परसेंटेज मैक कोन मैक्रो साइट सेल्स परसेंटेज
एगुड़ा हूँ आरबीसी पैरामीटर आरबीसी हेमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट एमसीबी एमसीएच एमसीएचसी आरडीडब्ल्यू यही फ्लैगिंग केत जितने आप टोटल आरबीसी 45% सेल मैक्रोसाइट बड़ो से फ्लैगिंग देख या इंडिकेशन कौन आपन इवैल्यूएशन करेंगे फॉर मैक्रोसाइटिक एनीमिया जितने मैक फ्लैग आसो देखिए मैक्रोसाइटिक एनीमिया जितने मिक फ्लैग आसो देखिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखते मुझे गोटे जिस देखी जो प्लट आप मैंने देखली हिस्टोग्राम ये आप देखी यहाँ हूँ आरडीडब्ल्यू यहाँ हूँ विड्थ डिस्ट्रीब्यूशन जिते चौड़ा से केस देखते चौड़ा अच्छी ये एनिसोसाइटोसिस अधिक जो केस रे नैरो अच्छी हिस्टोग्राम आरबीसी हिस्टोग्राम इज शिफ्टेड टू लेफ्ट जनरली कोठ आरंभ हो कथा 35 रु आरंभ हो कथा ए केस देखु 35 रु आरंभ हो एटा सरिया कथा 100 पाख पाकी सरिया कथा ए केस रे कोन छि एटा लेफ्ट को बा पट को पड़ी छि एटा रहया कथा एठी ई छि बा पट को ये केस देखते कौन एक्चुअली देखिए आप प्लॉट को टिके केयरफुल देखिए देखो ये गोटे प्लॉट ये आ गोटे प्लॉट ये गोटे आरबीसी पॉपुलेशन जो डार्क कलर कर देली ये आ गोटे आरबीसी पॉपुलेशन तो एरो कोन कहा जाए डबल हम्प बट डाइमॉर्फिक आरबीसी पॉपुलेशन ये गोटे आरबीसी टाइप रोची ये आ गोटे आरबीसी अछि जत सेल काउंट हैला से इंपेडेंस दे जाउ थाए दी प्रकार सेल गले आ दीटी एको पाखा पाखे अछि धरु 100 काउंट कला 50 आस्ता माइक्रो 50 आस्ता मैक्रो से केस से कोन करियो माइक्रो पे गोटे कर तला मैक्रो पे गोटे कर दला आउ एटा हला ओवरलैपिंग एरिया तो एटा कोजे डबल हम एटा को केस देखा जाए जेतेबेले पेशेंट रो मैक्रोसाइटोसिस आउ माइक्रोसाइटोसिस बोथ डीडी के जिंस चलतिबो मोस्टली जेतेले गोटे लोक आम इंडियन कंडीशन वेजिटेरियन हेतिबो पुन तार आयरन डेफिशिएंसी बहुत जोर ब्लड लॉस हेछि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हेछि बा से लोकर बहुत ब्लड लॉस हेछि तार माइक्रोसाइटिक एनीमिया हेछि तापर ताको नॉर्मल सीजन कर दिया हला सही केस रे तर डबल हम देखा जीवो तो आमे आरबीसी प्लॉट को देखछो आमे कोन कोन देखिबु कि आरबीसी प्लॉट रो विड्थ ठीक अछि ना नै एनिसोसाइटोसिस पई तर एमसीबी एमसीबी केते रहूछि तार एमसीबी केते रहूची तार डबल हम्प देखा जाउची की ए केतरा पैरामीटर पई आमे देखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट आउडियंस देखंतु ए बा पटो प्लॉटिंग एठी गोटे एनोमली अछि ए कर्व त तळु को छु नै मन रखंतु प्रत्येक कर्व जदि ठीक थिबो तले जे तळु को निहाती छुइबो ई तळु को जदि छु नै त कारण कोन हे परे दुईटी जिनस आरबीसी किसी छोट अच्छी प्लेटलेट किसी एग्रीगेट तो यहाँ प्लेटलेट किसी प्लेटलेट मड़ी जदि आरबीसी एरिया को सही केस रे अमेरिका कर्व देखेबो प्लेटलेट क्लम्स किसी आरबीसी छोट जो छोट मुटे आरबीसी किसी छोट भांगी आरबीसी जॉइंट प्लेटलेट से पूर्व पळे आछन्ती एही केस रे ई सब जिनस देखा जे आरबीसी दि छोटो एकी प्लेटलेट भीतर को पळे थिबो बा प्लेटलेट पसी आछथिबो आरबीसी एरिया को सेही केस रे एही प्लॉट टच करिवो नाही
कारण आप मूल मन पका गोटे चैनल ले प्लेटलेट आउ आरबीसी काउंट हुए केवल बोलते डिफरेंशिएशन हूँ वॉल्यूम रो साइज रो ये दुई रु आरंभ कर कोड़े भितर रुहे ये तीस रु आरंभ कर शहे शहे कोड़े भितर रुहे तो सामान प्लट रे ही एक्चुअली दुटा जिनस आसु कंप्यूटर आमको अलग अलग कर देखा ये प्लेटलेट कर्व यहाँ हूँ रेड ब्लड सेल आरबीसी कर्व तो आरबीसी जो कर्व पहुँचुना माने मैंने आरंभ रु तलू ही आरंभ होना ता माने सी आईदर ता भितर को प्लेटलेट पलि आस सी छोट पड़वा हेतु सी पलाऊँच प्लेटलेट एरिया को तो आपन टिके एई केस रे स्लाइड रिव्यू आपन को निहाती दरकार पड़िबो तापरे एगुडी को होची केतरा कंडीशन जो आपन कहली कर्व लेफ्ट ऑफ द कर्व डज नॉट टच द बेसलाइन लेफ्ट ऑफ द कर्व डज नॉट टच द बेसलाइन ता माने किछटा आरबीसी इधर भांगी हिची जो रे सिस्टोसाइट को आउची बा किछटा प्लेटलेट अपन को पसी आछी बाईमोडल पीक बाईमोडल बाई माने दुई मोड माने प्रकार दुई प्रकार रो पीक जो आपन ए केस देखले एटा होची बाईमोडल पीक बा डाइमॉर्फिक आरबीसी बा डुअल हंप कैमल हंप कहा जाए डुअल हंप कहा जाए राइट पोर्शन ऑफ द कर्व इज एक्सटेंडेड एटा गोटे जिनस मार्क करंतु ई केस रे एटा कौन एटी तो मेजर आरबीसी रहिला ए छोटो जिनस रे कौन मेनी चांसेस किछटा आरबीसी मिसी एजेंट एग्रीगेट करछन्दे आरबीसी एग्रीगेट हे कि अछन्दे सेही केस रे एमति गुडे एक्सटेंडेड कर आसीबो आपन को लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द कर्व कर्व जोटी रहिया कथा ता बा को पळैछि सेटा कोटा एटा माइक्रोसाइटोसिस सेमि राइट शिफ्ट हेले कोन होबो मैक्रोसाइटोसिस कर्व जदि डाहन को आछि मैक्रोसाइटोसिस आपन एमसीबी देखिबो निहाती बढ़िथिबो मैक्रोसाइटोसिस माने 94 बा 96 रु अधिक आइथिबो आपन को रेड सेल वॉल्यूम एटा देखंथु गोटे केस एटा आपन ह्यूमिजन मशीन रो ये देखो बढ़िया सुंदर कर्व बोथ साइड परफेक्ट अच्छी तल उठी यार एमसीबी मध्य अच्छी 98 तो आनुमानिक टिके अधिक अच्छी किंतु देखो यार रेड ब्लड काउंट और हेमोग्लोबिन काउंट एटा लोअर साइड रे अच्छी तो दिस इज ए केस ऑफ नॉर्मोसाइटिक एनीमिया तो एठी हम जिनसे देखिया पड़ो कि जो एनीमिया आपन गो रूल जानि थिबे रूल ऑफ थ्री आरबीसी रे तीन गुणिले हेमोग्लोबिन आसीबो अनुमानिक हेमोग्लोबिन रे तीन गुणिले हेमाटोक्रिट बा एचसीटी आसीबो अनुमानिक सेही जिनसटी केबे डिफर हुए नाही केवल डिफर हुए को केस रे जेतला आइदर आपन एनालाइजर भूल रिपोर्ट दउची बा आपण को केस जो जो सैंपल लगछन्दे से केस रे कोनो से प्रकार हेमोग्लोबिन डिफेक्ट जेमति कि थैलेसेमिया बा सिकल सेल एनीमिया अछि सेही केस रे रूल ऑफ थ्री एप्लीकेबल हुए नाही एटा गोटे केस देखंतु एटा मु कर दिछे एनीमिया एनीमिया कोन पई कहली आरबीसी आउ हेमोग्लोबिन एतिकी कम अछि अच्छा मु मैक्रोसाइटोसिस कौन पई कहली देखो एमसीबी हाई अच्छे एटा गोटे जिनस फ्लैगिंग अलार्म है देखो एनाइसोसाइटोसिस से कौन पे ही आपको आरडीडब्ल्यू अधिका है
आपन जो देखिबे ए जो लाइन डेटा आनिबे इठी एमसीबी बढ़ी रेड सेल पॉपुलेशन डाहाण को शिफ्ट होती तो मोस्ट प्रोबेबली माइक्रोसाइटोसिस किंतु देखंतु मु जो आपन कहितली मूल जिंस एमसीएचसी शुड बी लेस देन 36 रु ऊर्ध्व हबो नाही कस्मिन काले हबो नाही एई केस 36.4 अछि त माने दिस कुड बी ए केस ऑफ ओल्ड एग्लुटिनिन ताको आमे थरे नॉर्मल रूम टेम्परेचर रखी अध घंटे बा इनक्यूबेटर रखी ताको आउ थरे रीरन करले मोस्ट प्रोबेबली करेक्शन हे जीवो तो एटा ला किछि प्रकार रो एनीमिया तो आपन कोन जानले ए जो फ्लाय अलार्म्स आसुची बा फ्लैग्स आसुची एनीमिया एनीमिया अच्छी बोली आसची ठीक जिंस आसची आपन देखंतु एनिसोसाइटोसिस अछि काही ना त आरडब्ल्यू बॉडी की अछि तो आपन केवल नंबर जानतु नहीं सब तर फ्लैगिंग अलार्म कौन दौर से मध्य नजर रे रखंतु एई केस रे देखंतु आरबीसी ठीक अछि हिमोग्लोबिन भी ठीक अछि हेमेटोक्रिट भी ठीक अछि सेति पई नो एनीमिया हला नो एनीमिया किंतु माइक्रोसाइटोसिस अच्छी एडि देखंतु कर्व शिफ्ट करछि लेफ्ट को तो गोटे हिस्टोग्राम भी हम जानी परछु देखिकी कि माइक्रोसाइटोसिस अच्छे ना नै एडि देखंतु आरडब्ल्यू चौड़ा बढ़ी कि बढ़ीनी त माने कौन एटा आरडब्ल्यू मध्य ठीक अच्छी तो जहाँ भी सेल अच्छी रेड ब्लड सेल सब छोट छोट अच्छी ये कमी कौन हाइपोक्रोमिया एवं एमसीबी कमी तो से आम हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटोसिस केस आप देखिए ग्राजुअली एनिसोसाइटोसिस केमी बढ़ुच्छ नजर रखे आरडब्ल्यू उपरे एटी है 17.4 एटी है 20 ये देखते गोटे छोट पिठी रे आबु भाया बाहर एटा कौन पाई एटी चौड़ा है आरडब्ल्यू बढ़ी कहीं आरबीसी विभिन्न प्रकार देखा आपन जब केयरफुली देखिए एटी को जेमती मुझे कही गोटे पपुलेसन एटा आ गोटे पपुलेसन एटी आरबीसी दीटा पपुलेसन अच्छा कि पाखापाखी अच्छा बेस दूर ना बेस सैज डिफरेन्स ना गोटे धरतु आपज थी 65-70 भितर आ गए थी 75-80 भितर तो दीटा पपुलेसन अच्छा यही केस एमसीभी आसुच्छी नर्माल कि देखा क्या केयरफुल केनेसोसाइटोसीस अच्छे देखो ये एनिसोसाइटोसिस गोटे केस रग कौन थी कौन कौन है गला प्रथम थी 17.7 बढ़ी गला तार किस दिन पर 20.5 है गला तार ये देखो तो फॉर्म टा पूरी क्लियर हो गला आउरी ठीक अच्छे सही केस किस दिन पर है गला डबल पॉपुलेशन ये देखो एमसीवी देखो आरडब्ल्यू कितने हाई 24.5 किंतु एमसीवी नॉर्मल एमसीवी टा जेतु कैलकुलेटेड पैरामीटर से केबे भी डिफरेंशिएट करि परबेनी केतरा पॉपुलेशन अछंती माने थोड़े बांठो थोड़े डेंगा लोग अछंती मिसी की नॉर्मल हाइट हे उची किंतु ता माने नुह एमसीवी नॉर्मल अछ बोले समस्त का हाइट नॉर्मल सब आरबीसी समान साइज रो नाहंती एडी दीटा पॉपुलेशन अछंती पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2 दुईटी पॉपुलेशन ऑफ आरबीसी ए सैंपल रे अछंती त अपन देखिले कि गोटे एनालाइजर सिंपली आपन को कहि दे पारुची क्या क्या एमसीबी पूरा ठीक थिला ए लोकर 90 थिला टिके एनिसोसाइटोसिस थिला
ଆଉ ଟିକେ ଆନିସୋସାଇଟୋସିସ୍ ହେଲା, ଟିକେ ଆହୁରି ମାନେ କ୍ଲିଅର ଆନିସୋସାଇଟୋସିସ୍, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନିମିଆ ଆସିଗଲାଣି, ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦୁଇଟା ପପୁଲେସନ୍ ତା ପାଖରେ ଆସିଗଲା ପୁଣି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆରବିସି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ବ୍ରୋଡ଼ଲି କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ଏମସିବି, ଆରଡିଡବ୍ଲୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମର ସିଫ୍ଟିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ ଲେଫ୍ଟ, ସିଫ୍ଟିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ ରାଇଟ୍, ଏବଂ ତଳୁକ ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ଉଠିଲା ବେଳେ, ଡବଲ ହମ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି କି, ଏତେଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଆରବିସି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବେଳେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଯେମିତି ଆରବିସି, ଯେମିତି ଆରବିସି ମେଜର ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯୋଉଠିକି ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ହେଇକି ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ସେଲ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେଇ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାଉଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ, ସମାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହଉଛି, ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟେଡ୍ ବୁଲୁଛି, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମୁଭିଂ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ, ମୁଭିଂ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ, ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ଟା ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ଟା ସିଏ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ। ମୁଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ର ସାଇଜ୍ ବହୁତ ଭାରି କରେ, ଛୋଟରୁ ନେଇକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଯଦି ଆରବିସି ଦେଖିବେ, ଆରବିସିର ସାଇଜ୍ କେତେ ଭାରି କରୁଛି, 30ରୁ ନେଇକି 120, 4 ଗୁଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 2ରୁ ନେଇ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଗୁଣା ହେଲାଣି, 15 ଗୁଣା, ସମଟାଇମ୍ସ 20 ଟାଇମ୍ସ 20 ଗୁଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍କୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୁଭିଂ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମ୍ ଇମ୍ପେଡେନ୍ସ ମେଥଡ଼ରେ ଯୋଉଥିରେ ଆରବିସି ମେଜର ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କେବଳ ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟର ପକାଉଛୁ, ଆଉ ଆରବିସି ମାପିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟର ପକାଉଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ସ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲି ଆରବିସି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏପଟକୁ, ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ସ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆରବିସି ପ୍ଲଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ତଳୁ ହେଇନି ଟିକେ ଉପରୁ ହେଇଛି, ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ ହେଇପାରେ, ଯଦି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବଡ଼ ହେଇକି ଏପଟକୁ ପଳେଇବ ବା ଆରବିସି ଛୋଟ ହେଇ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଟା ଆରବିସି ଛୋଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆରବିସି ଏପଟେ ବହୁତ ଯାକ ଆରବିସି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ ହେଇକି ଏଇଠିକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସ୍କିଷ୍ଟୋସାଇଟ୍, ଏସ୍ସିଏଚ୍ ମାନେ ସିଷ୍ଟୋସାଇଟ୍ସ, ଆରବିସି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଠାରୁ ସାନ, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଏରିଆର ବାଁ ପଟକୁ ଆସେ, ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ବା ରେୟର କେସେସରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ନିଡ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଇଫ୍ ଦି କାଉଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଲୋ, ସବୁ କେସେସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାଉଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ ବା ଅଧିକ ଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କର୍ଭ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କର୍ଭ ବି ବେଳେବେଳେ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥାଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ର ସମାପ୍ତି, ଆରବିସିର ଆରମ୍ଭ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ ଯାଇଥିବ ତା ମାନେ ଆରବିସି କିଛି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କିଛି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ହୋପଫୁଲି ଆପଣ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲେ, ସେ ସମାନ ଜିନିଷ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଏପଟକୁ ପଳେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଇଦର ଛୋଟ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ବ୍ଲଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇପାରେ, ବା ରିଏଜେଣ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି ଅଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି, ମେସିନ୍ ବହୁତ ନା କ୍ଲିନ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେଇ କେସ୍ରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଏଗେନ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନଟ୍ ରିଚିଂ ଦି ବେସ୍ ଲାଇନ୍, ବାଇମୋଡାଲ ପିକ୍ ବି ହେଇପାରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ରେ, ସେଟା ବାଇମୋଡାଲ ଯେମିତି ଆରବିସିରେ କହିଥିଲି ସେମିତି ବାଇମୋଡାଲ ପିକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ଏମିତି ହମ୍ପ ଥିବ ଆରବି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଏମିତି ହେଇକି ଯାଇଥିବ।
एमती कर्व हेतबो एटा गोटे मोड एटा मेजर एटा को कारण होई परे बैक्टीरिया जोगु होई परे बा साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स मध्ये होई परे जोटा कि प्लेटलेट रो भांगी भांगी हेतबो द इंटरप्रिटेशन ऑफ आरबीसी और प्लेटलेट दीटा को मेजर गोटे जगह हमारे मार्क करते मैनुअल मेथड रे भी आप जो स्क्वायर रे आरबीसी काउंट करते स्क्वायर रे प्लेटलेट काउंट करते आरबीसी प्लेटलेट को मॉर्फोलॉजी देखा कौन से अलग स्टेन ना आरबीसी प्लेटलेट सामान गोटे चैंबर रे काउंट हमारे ये गोटे चैनल रे काउंट हमारे जो चैनल रे काउंट हमारे से ही प्रकार सामान टाइप हिस्टोग्राम आसे आगे हिस्टोग्राम इंटरप्रिटेशन भी सामान जिन अच्छी कौन MCV थिला RBC रे एथिर अछि MPV मीन प्लेटलेट वॉल्यूम सेटी RDW थिला जोटा कि आपन रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ प्लेटलेट केस अछि PDW एटा आपन एक्वेटेड नथि दैट इज प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ केते चौड़ा अछि एटा केते चौड़ा अछि एटा होछि प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ एथिर जना पड़ो कि लोकर प्लेटलेट कम अच्छे आज तरह प्लेटलेट 40,000 अच्छे ट्रीटमेंट दिया दिखे तर नुआ नुआ प्लेटलेट आस नुआ प्लेटलेट मान बड़ साइज प्लेटलेट आस तो जो प्लेटलेट आप बड़ साइज आसवे केस कौन हम ये गोटे एमती उठिबो किंतु टिक बड़ बड़ सेल्स बेसी बेसी थिबे तले आपनकर बड़ करके से केस रे पीडीडब्ल्यू आपनकर बढ़ी जिवो और प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बढ़ी गला ता माने बहुत अलग अलग साइज रो प्लेटलेट अछंती माने कोन देखा जिवो स्मियर रे जॉइंट प्लेटलेट्स देखा जाई पारे प्लेटलेट एमती जोड़ी हिथिबे एग्रीगेट हिथिबे एडिटी जको सेटा देखा जाई पारे बुझबले तो आरबीसी और प्लेटलेट रो ये दुटा सिमिलैरिटी मेजरमेंट टेक्निक रे एनालिसिस रे एवं इंटरप्रिटेशन रे भी इट इज क्वाइट सिमिलर गोटे स्पेशल पैरामीटर देखी थे आपको फ्लैगिंग होती है PLCC सेटा होची प्लेटलेट लार्ज सेल काउंट जो आपको कहली टी लंबी थी प्लेटलेट कर्वटा कारण बड़ बड़ साइज प्लेटलेट आईटा से ही जिनस को मेजर कर PLCC प्लेटलेट लार्ज सेल काउंट केते टी प्लेटलेट आप बड़ साइज र अच्छी सेटा होची PLCC जति बड़ साइज प्लेटलेट अच्छी सेटा जदि हम टोटल प्लेटलेट डिवाइड कर दवा कारण केवल प्लेटलेट बढ़ी छी बड़ साइज प्लेटलेट 500 अच्छे ता माने किछि हुएनी टोटल प्लेटलेट 1000 अच्छे बड़ साइज प्लेटलेट 500 अच्छे ता माने एबे प्रोडक्शन रेट बहुत हाई अच्छे तो सेटा होची PLCR टोटल प्लेटलेट जोरा बड़ होई छी इन रेशियो ऑफ प्लेटलेट लार्जर देन 12 माइक्रोलीटर डिवाइडेड बाय टोटल प्लेटलेट काउंट दिस इज ए वेरी गुड इंडिकेटर एटा बहुत बढ़िया मात्रा रे जानि हुए कि प्लेटलेट रीजनरेट करूची कि PLCC PLCR एटा को मो हिसाब रे दिस आर हायर ऑर्डर फ्लैगिंग एटा को एते अपन जानि थांतु कि PLCC PLCR कोन डे टू डे लाइफ रे उपयुक्तता बहुत कम किनो डेंगू केसेस आउ ल्यूकेमिया केसेस जतला मु किबा कोनसी कारण वायरस अटैक कछु कि इन्फेक्शन हिच तर भाइ ये कमी छि प्लेटलेट सही केस रे उडी को काम दे एटा देखंतु केस एटा ह्यूमिजन नोइ मु देखौ छि कारण हमर तो मेजॉरिटी इंस्टॉलेशन होछि ह्यूमिजन परिवार ओडिसा रे तो ह्यूमिजन केसेस ही आनि छि प्लेटलेट ओडीए एमपीवी ठीक अछि एकदम छुट्टिया करते छुट्टिया एकदम करते जी प्लेटलेट ठीक था कर्वटा एमती था कहीं नॉर्मल साइज रहा कौन एटा हूँ सेल काउंट जदि अधिका सेल थी उचा उठब ये कम अच्छे कम उठी ठीक अच्छे ये देखते बाहर PLCC PLCR PDW जो पैरामीटर आपको कही PDW कौन येथ रेत हो PDW एटा गोटे केस देखते जो प्लेटलेट कम अच्छे एनीमिया अच्छी न्यूट्रोफिल कम अच्छी ये आम कहू पैन साइटोपेनिया आरबीसी
वॉल्यूम टिके हायर साइड रे अछि 97 बाकी प्लेटलेट कम अछि काहे देखो तो एटी बडो साइज नाही हम ऑलरेडी बडो साइज रे हम पैतांदा एटी एकदम तळो को अछि सेल काउंट एकदम कमी की प्लेटलेट लो डब्ल्यूबीसी लो न्यूट्रोफिल मध्ये कम न्यूट्रोफिल देखले आपण नॉर्मल प्लॉट देखितली एकदम डेंस है कि भर थाए फिर तो कहते हैं फाका फाका अच्छी मतलब सेल काउंट कम हो चुकी ठीक है जी। इटा हो चुकी थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट जो थे और दिखा था तो उन कोई थी जनरली कॉल बस है ये साइज रो किंतु ये चीज ची ये साइज रो इतनी की हमरो अधिक अच्छी कौन पे अच्छी कारण प्लेटलेट अधिक अच्छी बुझला एटा देखो तो पेंट्रा गोटे इक्विपमेंट हमरो अस्पताल हरिबार स्टार एटा प्लॉट एटा देखो प्लेटलेट प्लेटलेट आसी छी हमरो अनुमानिक कोट केमती होबा कथा तो हम देखो छी एमती होबा कथा ये कौन है जी ये एमदि उठिला एमदि कसिला एमदि हला एमदि स्मूथ एंडिंग नु हो काई की कारण एगुडा सब प्लेटलेट एग्रीगेट्स मोस्टली प्लेटलेट एग्रीगेट्स ए एग्रीगेट देखो तो इटी प्लेटलेट हमर कोन प्लेटलेट जतर बेले डब्ल्यूबीसी तो पास जीवो सिग्निफिकेंटली हाई आस जीवो सेत पई प्लेटलेट तो बॉडी प्लेटलेट इपडे देखो तो एग्रीगेट है की डब्ल्यूबीसी भीतर को आसी एच चैनल कारण आरबीसी केवल लाइसिस हुए प्लेटलेट केवल लाइसिस हुए नहीं प्लेटलेट छोटो बोली कट जाए इठे ए भितरे चैनल एग्रीगेट है कि डब्ल्यूबीसी सहित पड़े आईटा गोटे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट सोहल ये कर्वटा भी ठीक ना एवं जो ह्यूमेजर देखुं कर्व से कहुए नॉर्मलाइजेशन कर्व से आज कल राउंडेड कर्व आ पेंट्रा से सॉफ्टवेयर नाला नॉर्मलाइजेशन इंटरप्रिटेशन मशीन यूज इजीयर स्टार्ट डब्ल्यूबीसी पैरामीटर्स एंड हिस्टोग्राम कौन देखिलु इंपेडेंस रे काउंट कर देलु हिस्टोग्राम प्लॉट बने देलु बुझिगलु मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्लाइड रे देखिलु मैनुअल मेथड रे ऑटोमेटेड रे स्कैटरग्राम रे Can everyone please put their mics on mute? Sorry, sir. We normally I am taking care of that. In case somebody is unmuted, I will mute them. Thank you. So, हमें प्रथम करीबा दी टा पार्ट रहा हमें को handle करीबा कहीं कि ना majority of हमारे setting रे maximum लोग को use करते हैं तो गुड़े three part analyzer जो उधर की three part माने को three part माने जितने से डिफरेंशियल काउंट कोची तीन टा पार्ट रे डिवाइड कोची लिम्फोसाइट मोनोसाइट एवं ग्रैनुलोसाइट किंतु ब्लड रे डब्ल्यूबीसी तो छनी पांच प्रकार सेति पई नो एनालिसिस जते आसीला बा जे अफोर्ड करि पचोन से माने होचोन फाइव पार्ट एनालाइजर ट्रू सेंस रे दी प्रकार एनालाइजर थाए थ्री पार्ट एनालाइजर थाए फाइव पार्ट एनालाइजर थाए तापर अपन जहां 6 7 8 सुनिबे से गुडा एको प्रकार मार्केटिंग बा सेरे गो टाइप रो मेथड जो नुआ नुआ पैरामीटर देख परिबो किंतु पार्ट्स कहले तीन एवं पांच दुई प्रकार की एनालाइजर थाए थ्री पार्ट एनालाइजर रे कौन हुए पूरा प्रथम स्लाइड आप मन थी जो मैनुअल वर्सेस डिफरेंशियल देखे दिली आप थे देखे दूसरी ना डिफरेंशियल काउंट स्लाइड कले लिखी इंपेडेंस और स्कैटरग्राम कौन कल इंपेडेंस होची थ्री पार्ट रे होची सी दबो कौन ना आपन को हिस्टोग्राम दबो ये कौन दबो फाइव पार्ट रे आपन को दबो गोटे स्कैटर प्लॉट मन रहा
थ्री पार्ट रे मिलिवो आपन को हिस्टोग्राम एवं फाइव पार्ट रे मिलिवो आपन को स्कैटर प्लॉट। तो ए जिनसोटा इते सिंपलीफाई करा जी एमती गुले प्लॉट हमको मिले साइज हिसाब रे देखिले तीनटा मेजॉरिटी ग्रुप देखाउ छी हमको ये गोटे ग्रुप आओ ये गोटे ग्रुप तीनटा ग्रुप देखाउ छी एटा होचे लिम्फो एटा मोनो मिक्स्ड नु हो मोनो एटा ग्रानुलो साइट होला तो ए समान जिंस एठी पुनी एनोकेट कराइ छी देखो लिम्फो मोनो ग्रानुलो मोनो लिम्फो आपण बुझछंती कि एटा गोटे हिस्टोग्राम एटा केमती तयारी कराइ छी तलटा होची वॉल्यूम एटे देखंतु नंबर ऑफ सेल्स देखले एठी सेल वॉल्यूम तो किछि सेल्स रहिबो जो लिम्फोसाइट रु छोटो रहि पारे जितला आसीबो से दबो एल1 फ्लैग थ्री पार्ट रे एल1 को जिन सहि पारे लिम्फोसाइट रु छोटो किंतु आरबीसी नु हो सेला कोन हि पारे प्लेटलेट क्लम्प सही परे प्लेटलेट एक जुटे ही जमाटा बांधी बड़ा बड़ा ही थी वो किंबा एनआरबीसी ही परे एनआरबीसी कौन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आरबीसी टाइम थी वो तभी तो तरोड़े न्यूक्लियस टे थी वो इटा मैच्योर ही न था ये आरबीसी टा इसे लिम्फोसाइट तो एकदम टिके सानो ये जोड़ी आरंभ हो दस आरंभ हो ये पचास पका पकड़ लिम्फो आरंभ हो ये कोड़िए घरे कोड़िए रु तीस फिमटो लिटर भितर आसो एटा होची लिम्फोसाइट मन रहे वो एटा कोड़ी आसीबो एटा कोड़ी आसीबो मन रहला तो एल1 कहिला माने थ्री पार्ट रे मोस्ट ऑली एनआरबीसी किमा प्लेटलेट एग्रीगेट तापर कोन आसला लिम्फोसाइट माने एटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन को साइज रे केते सेल आस परे एल साइज रे आसले एल रहला ए साइज रे एल को चाहे तो एल रु पुरपुर आसला एल1 अच्छा तापर कोन होला एम एटा एम अछि तले एम2 गुड ना आसला से एम2 कोन जोरा आगे एवरेज मोनोसाइट जोरा जति जगह रहइबो तार टिके बा फाळु से किया आस परे यदि लिम्फोसाइट बड़ बड़ हेइ गयो लिम्फोब्लास्ट सी आस परिबे रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स आस परिबे हला तापर तार डहन पुट को आ ग्रानुलोसाइट मजा मजे मोनोसाइट ग्रानुलोसाइट मजा मजे से कोन ना देले जी1 ने के रहले इयोसिनोफिल पळे आसले आ पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स पळे आसले जी2 फ्लैग माने जी2 माने ग्रानुलोसाइट जो डिफेक्टिव अछि पर मोस्ट इंपोर्टेंट आमे जो देखु थ्री पार्ट रे आमे पकरे सेटा ला ओल्ड ब्लड सैंपल थिले से तुमको दबो जी2 फ्लैग तो आमे को मन कोन रखिया छि एल रो पूर्व कोला एल1 मोनोसाइट आ लिम्फोसाइट मझी रे होची एम2 मोनोसाइट आ ग्रानुलोसाइट मझी रे होची जी1 ग्रानुलोसाइट जदि बहुत चौड़ा बहुत अधिक स्प्रेड हेकि अछि जी2 आ जो दहन पुट को छि सेटा होची जी3 एटा कोन बहुत बडो सेल थिवो लार्ज इमैच्योर सेल्स आपण एटा व्यस्त होतुनी मेटामाइलो एटा में व्यस्त काहे कि होतुनी आपण जे मैच्योरिटी पैटर्न देखिबे को सेलटा बडो थाय सान थाय सेटु जानले आपण अनुमान ने कहि दे परिबे एटा किछि नै केवल को साइज अछि केते बडो से सेल सही हिसाब रे अरेंज कराइ छी डहन पर टलटा होची साइज ए पटा हला साइज ए पटा हला केतेटा सेल अछि को साइज रो
तो आप आराम से पारे तो ये फ्लैग कौन मन रखिए एल ओन एम टू जि ओन जि टू जि थ्री in presence of these flags a slide review is a must eta dekhanto 3 part ro histogram normal achi somo jani parchanti l m g sorry tike mane mo cursor ta thik re kaam karuni opake auchi at times sorry for that एटा होची तीनटा पॉपुलेशन एट देखंतु एटा हला एल1 ओटे एक्स्ट्रा पॉपुलेशन सेटा कोन थिबो पहिना कहितली एनआरबीसी नहले प्लेटलेट एग्रीगेट बुझ पाले इटा रीजन दला हाई टेक ऑफ ऑफ लिम्फोसाइट पीक आसीबा आगु ही ऊपर ऊपर आसला तले एनआरबीसी प्लेटलेट एग्रीगेट हे परे पीक टू द लेफ्ट ऑफ लिम्फोसाइट पीक एटा एल1 जोरा में कोचो एटा हला एनआरबीसी अगेन widening of the lymphocyte peak ए जो lymphocyte अपन देखछन एमदि आसीला एमदि एति फसीला नहि कि ते एमदि जाई एमदि नै मिसि जीव सीधा न्यूट्रोफिल बहुत केस थ्री पार्ट देखतिबे अब एम जाई मिसि हिथिबो सेही केस कोन होची यदि ए जो lymphocyte रे एक्टिवेट हे जिवे किछटा बडो lymphocyte पळे आइसिबे से lymphocyte जो इटि सरी जीवा कथा न सरी कि एई जगह को उते माडी जिवे मोनोसाइट एरिया को widening of the lymphocyte peak आउट सेम दी मोनोसाइटोसिस मोनोसाइट एटी पीक टा बात जदि ए जे पीक टा एमदी नहि कि एमदी आसीबो त माने मोनोसाइटोसिस अछि लिम्फोसाइटोसिस हेइ पारे नले मोनोसाइटोसिस हेइ पारे अगेन कमिंग बैक टू सेम स्लाइड माने बारंबार रखी छी आपन इंटरप्रिटेशन पे ध्यान रखंतु एटा हमें देखि देलु एल1 ने कोन आसीला एल जदि चौड़ा हे गेला कोन असुविधा आसीला बुझि पले हमें देखिलु एल जे चौड़ा हबो माने एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट बा एम जदि बड़ो होई छी माने मोनोसाइटोसिस एटा आउट प्रकार एबनॉर्मलिटी लिम्फोसाइट पीक रे ठीक अछि एट देखंतु ग्रानुलोसाइट पीक बॉडी लिम्फोसाइट बॉडी हिची अनुमानिक तीनटा भितर लिम्फोसाइट बहुत अधिका ए केस निहाती लिम्फोसाइटोसिस थिबो ए केस निहाती ग्रानुलोसाइट बॉडी थिबो ए केस रे मोनोसाइटोसिस निहाती थिबो देखंतु अच्छा आउट जिंस आपण बारंबार मार्क करथिबे लेफ्ट शिफ्ट कोहा जाय सार माने रिपोर्ट कला बे पेरिफेरल सिमर में लिखी थी बे लेफ्ट शिफ्ट माने कौन गोटे जो जगह रहा था बांक जाई जी माने ये जो ग्रानुलोसाइट पिकटा एपुट को पड़े आसी ता माने इमेच्योर सेल्स न्यूट्रोफिल होबा अगर जो इमेच्योर सेल्स थिला से गुड़ी को बढ़ी जाई जी जेते बे एपुट को जीवो ता माने मैच्योर न्यूट्रोफिल्स बढ़ी जीवो माने इन्फेक्शन ए देखंतु एलिवेशन ऑफ द राइट पोर्शन ऑफ द ग्रानुलोसाइट पीक इज न्यूट्रोफिलिया एलिवेशन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रानुलोसाइट पीक इज लेफ्ट शिफ्ट माने न्यूट्रोफिल लो पूर्व पुरुष माने बेसी पळे आछंती मन रहला प्रथमटा गला लिम्फोसाइट तापरे गला मोनोसाइटोसिस तापरे गला लेफ्ट साइड एंड न्यूट्रोफिलिया गोटे सिंपल थ्री पार्ट एनालाइजर आम देखो जन दूसरी कि राइट साइड रे राइट को शिफ्ट हो गया न्यूट्रोफिल मान न्यूट्रोफिलिया न्यूट्रोफिल एरिया कौटा देखते आप जानपर से को एरिया कौच यदि ये एरिया बढ़ी गला
ताने न्यूट्रोफिलिया यदि एरिया बढ़ीगला माने लेफ्ट शिफ्ट बाँ को खसला यदि ए जगटा बढ़ला एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट यदि ए जगटा बढ़ला एनआरबीसी यदि ए जगटा बढ़ला मोनोसाइटोसिस तो हमको केते इनफॉरमेशन मिलुची गोटे हिस्टोग्राम रू मते नंबर न देखी हम कहि दि परबे या अच्छी ना नाही से हिसाब रे हम स्लाइड रिव्यू करिवो एटा बहुत कॉमन जिनस हम मार्क करछु कि ब्लड जितने खराब हो जाए मतलब पचारे के चार घंटा बिलीव करे सब प्रेजेंटेशन में कौन सिक्स आवर्स पर आप डब्ल्यू बी सी कर्व एम आसो कहीं सब डिजेनरेट कर डब्ल्यू बी सी कौन से अवस्था ना गला थ्री पार्ट कौन जान लें कि इट इज इंपोर्टेंस बेस्ड सिंपल सैज से कम कर साइज आउ केते सेल अछि सेठो आमे जानि गेले लिम्फोसाइट बाय पटे न्यूट्रोफिलिया डाहाण पटे मझिरे मोनोसाइट बसछन्ति जदि डाहाण पूरा सबा डाहाण पटे बढ़ी गला ता माने न्यूट्रोफिलिया ता बाय पटे जदि के ऊंचाई के अछि माने न्यूट्रोफिलिया हे परे बा लेफ्ट शिफ्ट हे परे ता पूर्व को मोनोसाइट रे देवळ बड़ होईछि ताते मोनोसाइटोसिस ता पूर्व को जदि लिम्फोसाइट नॉर्मली बहुत चढ़ीछि लिम्फोसाइटोसिस लिम्फोसाइट चौरा हेइछि माने एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट पूर्व जदि के पळे आछि सी होचे एनआरबीसी तो एक सिंपल प्लॉट हमको 18 प्रकार जिंस जणै दोउछि ठीक अछि तापर जिबा में 5 पार्ट माने सेही समान जिंस सेठी से साइज बेसिस रे कोन जोर मापो कहि आपण गोटे सेल को खाली साइज बेसिस रे क्लासिफाई कर दे परिवे जे एटा ए साइज तरबन तीन प्रकार सेल पाइ गेले किंतु आमे मोर डिटेल्स को जीवा पूरा स्मियर बने देखिबा कौन अच्छी रिफरेंस स्मियर रे आउ स्टेनिंग करके देखिबा न्यूट्रोफिल पोस्ट स्टेन नो छी उसने पोस्ट स्टेन नो छी बेसोफिल पोस्ट स्टेन नो छी स्टेनिंग प्रॉपर्टी तंग कलर चेंजेस कौन अच्छी सब कुछ देखिबा आमे पूरा डिटेल्स जानि परिया 5 पार्ट डिफरेंशियल कर परिया तो सेही हो छै 5 पार्ट डिफरेंशियल 5 पार्ट डिफरेंशियल कौन हो छै जोडा अपन कहिथि गोटे लाइट पडला लाइट पडले दुटा इंच जानि परिबे आपन को लाइट पकेले दुटा इंच जाना पडिबे आपणकर साइज केते जणा पडिछो चिराला वॉल्यूम आपण केते जटिल जो ड्रेस पिंचन से चमकीला ड्रेस पिंचन दी ना कोला रंग ड्रेस पिंचन दी लाइट अब्सॉर्ब करनो जो ड्रेस पिंचन दी ना लाइट रिफ्लेक्ट करजो ड्रेस पिंचन दी सेतु आपण को जणा पडजो आइडेंटिफिकेशन होई जीवो केटा को प्रकार रो सेल सिमिलरली सी ओन लेजर लाइट पकेला ईएसनोफिल बहुत हमर ग्रैन्यूल्स से एकदम साइज विराट का साइज तारो सेतिपई ईएसनोफिल सो मैक्सिमम अब्सॉर्ब करनो लाइट किछि लाइट छाडिबो जोडी गुचरा लिम्फोसाइट सब छोट आ सब जक लाइट ता देह दे पळेबो काहे कि ता साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर ए दियो मजा मजी के रहला न्यूट्रोफिल टिके ग्रैनुल्स अछि बहुत अधिक ग्रैनुल्स भी नाही आ साइटोप्लाज्म टिके क्लियर अछि टिके लाइट जाई परिबो आ बहुत बडो भी नहो किंतु सब तो बडो किए ना मोनोसाइट एकदम साइटोप्लाज्म भर्ती बडो सेल किंतु ग्रैनुल्स बेसी न थाए हला सेही समान जिंसरा एट देखाई छि देखो एटा हला न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट एटा हला ईएसनोफिल ईएसनोफिल सबुठ बड़ सबुठ जटिल से सबुठ हाई अब्जर्वेंस एटा हला अब्जर्वेंस बढ़ी बढ़ी जाऊ छै एपटे वॉल्यूम बढ़ी बढ़ी जाऊ छै ए देखो मोनोसाइट ब्रैड बड़ सेल ए जो एरिया रा होची लार्ज इमैच्योर सेल एल आई सी तो स्कैटरग्राम रे ए पांचटी ए एरिया टी होची बेसोफिल ए पांचटी एरिया डिफाइंड एल आई सी डिफाइंड कंप्यूटर कौन कर सेल काउंट कला अब्जर्वेंस ऑफ वॉल्यूम हिसाब से सजे दबो कि प्रथम कहुई कि यही सब भाग गुडा मापजुक एयर रही तो से अनुसार से तरह डिड कर ईएसनोफिल को न्यूट्रोफिल कहुई ए एरिया जहाँ पड़ोस न्यूट्रोफिल से न्यूट्रोफिल बनवा को लिम्फोसाइट धरव यटा को मोनो बोली धरव
ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏଲ୍ ଆଇ ସି ବୋଲି ଧରିବ, ଯାହା ଏରିଆର ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଗଣିବ, ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଥିଲି ମନୋସାଇଟ୍, ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ, ଇଓସିନୋଫିଲ, ବ୍ୟାସୋଫିଲ, ଏଲ୍ ଆଇ ସି ଆଉ ଆଲ୍ରାନସ୍ ଆର୍ଟିଫିକାଲ ସେଲ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ମାର୍ଜିନ, ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲା ଥାନ୍ତା ସେ ଏହିପଟେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଇଓ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, କ୍ଲିଅର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲିମ୍ଫୋ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ସିଏଲେ ମୋନୋସାଇଟ, ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଦେଖିଲେ ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆମ ହ୍ୟୁମିଜେନ ମେସିନ୍ରେ କଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଣ୍ଟ୍ରା ମେସିନ୍ର ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏହାର ହରିବାର ଅଛି ଏବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମିତି ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କାଟରଗ୍ରାମ ଦେଖିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କାଟରଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଓସିନୋଫିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋନୋସାଇଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ, ଲିମ୍ଫୋ, ମୋନୋ, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋ, ଇଓ, ସବୁ ମ୍ୟାଚିଓର ଅଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଜଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିବେ, ଆଉ ଛିଞ୍ଚ ତର ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିଥିବେ ସେଲ୍, ମାନେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ତା ଦେହରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସ୍କାଟରଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟାରେ ଦେଖୁଛି ଇଓସିନୋଫିଲ କାଉଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି, 23%, 23% ସେଲ୍ ହେଉଛି, 24% ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଓସିନୋଫିଲ ଏରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ ଠିକ ଅଛି, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଲା ମେଜର କନ୍ସର୍ନ ଆମ ପାଇଁ, ଇଓସିନୋଫିଲ ହାଇ ଆସିବ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଲ୍ୟୁକୋସାଇଟୋସିସ୍ ଇଓସିନୋଫିଲିଆ 14.4, 11,000 ଅଧିକ ହେଲେ ଲ୍ୟୁକୋସାଇଟୋସିସ୍, 500 ଅଧିକ WBC ଇଓସିନୋଫିଲ ହେଲେ ଇଓସିନୋଫିଲିଆ। ତ ଏଥିରେ ଲ୍ୟୁକୋସାଇଟୋସିସ୍ ଏବଂ ଇଓସିନୋଫିଲିଆ ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ କରିବି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆମର 5-part ଆନାଲାଇଜର ରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3-part ଆନାଲାଇଜର ରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପେଡେନ୍ସ, ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସ୍କାଟର, କିନ୍ତୁ 5-part ଇମ୍ପେଡେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ମେସିନ୍ରେ, ଏଇଟା ମୋତେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଇଓସିନୋଫିଲ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଇଓସିନୋଫିଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପ୍ରଖର 54% ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ସ ଆର୍ ଇଓସିନୋଫିଲ, ଏକଦମ ହାଇ ପପୁଲେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଲାର୍ଜ ଇମେଚିଓର ସେଲ୍ ଆସିଛି ଫ୍ଲାଗିଂରେ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଠୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋନୋସାଇଟୋସିସ୍, 22%, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 22%, କେତେ ମାନେ ଡେନ୍ସ ଅଛି ପ୍ଲଟ୍ଟା, ଏଇଟା କମ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 6%, 4%, 5%, ଏଇଟା 22%, କେତେ ମୋନୋସାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଓସିନୋଫିଲିଆ, ଏଇଟା ସେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟ୍ରା ମେସିନ୍ରେ ଇଓସିନୋଫିଲିଆ, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ ସମାନ ଅଛି, ମୋନୋସାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାସ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଲିମ୍ଫୋ କେବଳ ବଢ଼ିଛି, ଇଓସିନୋଫିଲ ଦେଖନ୍ତୁ 52%, ଏଥିରେ ମୋନୋସାଇଟୋସିସ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲି କୋଉ ଏରିଆଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଓ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋନୋ, ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରୋ, ଏଇଟା ହେଲା ଲିମ୍ଫୋ। ଆପଣ ଏରିଆ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ଲଟ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଯିବେ ସେଟା ଦେଖଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାର୍ଜ ଇମେଚ୍ୟୁର ସେଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏତିକି ହେଲେ ନର୍ମାଲ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଗୁଡ଼ା ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ଧରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲିଆ, ଲାର୍ଜ ଇମେଚ୍ୟୁର ସେଲ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ହ୍ୟୁମିଜେନ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ କି ଆମ ସାର୍ ମେସିନ୍ ହେଉଛି 6-part, 6-partଟା କ'ଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିବା ସେଲ୍ 6 ଥାଏ, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ, ବ୍ୟାସୋଫିଲ, ମୋନୋସାଇଟ୍, ଇଓସିନୋଫିଲ, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ୍, ସେଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଆର୍ବିସି। ମୁଁ ଆପଣ ଏନ୍ଆର୍ବିସି ବୁଝେଇଥିଲି କୋଉଠୁ ବାହାରିବ,
थ्री पार्ट रे बुझी थी एटी एसिवो एनआरबीसी एटा एनआरबीसी सिमिलरली जेते बेला हम स्कैटरग्राम में देखिबा ए एरियाटा होची एनआरबीसी लिम्फोसाइट रो बापट को सेठी भी लिम्फोसाइट बापट को काहे कि ना ता स्ट्रक्चर रे किछ डिफरेंस नहीं अब्जर्वेंस समान जहाँ डिफरेंस अच्छे वॉल्यूम रे माने साइज रे सेपटी भी साइज डाहा पट्टी के अधिका थिला त्रिपे जो त्रिपे एनालाइजर रे फाइव पार्ट रे मध्ये लिम्फोसाइट एनआरबीसी तरो टिके अधिक बडो सेति पे डाहा पट को अच्छे एई केस देखंतु जे रूम अपन में देखेले एनआरबीसी देखो एठी काउंट किछि आरबीसी पूरा ठीक अछि एनीमिया जे जणा पड़ला हो एनीमिया अछि तापर देखलो को ए पॉपुलेशन एटा लिम्फोसाइट पूरा अलग अछि एटा ला लिम्फो एटा ला एनआरबीसी ओनलेबो एटा ला लिम्फो एटा होछि एनआरबीसी again ether nrbc lympho neutrophil body is the kind is a extra eta large immature cell isu dekhai to flagging re large immature cell leukocytosis neutrophilia it out in search bolenso double population of रेड सेल्स तो जहाँ आपन देखिबे सही जिंस को से एनालिसिस कर डान पटे लिखि दिबो तो आज थरो जेतर जहाँ राइट साइड देखिबे इमीडिएटली खोजिबे से जिंस से अच्छी ना नहीं एटाला एक्टिव आपन कोन कहि लिम्फोसाइट रो बा पट को चढिले मोर साइज रे छोटो होई गले सेटा होची एनआरबीसी लिम्फोसाइट को डान पट को गले सेटा होची एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट जनरली लिम्फोसाइट रे रहया कथा सी कौन कला लिम्फोसाइट एंड बॉडी वाला एटा होचे एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट एटा देखंतु केमोथेरेपी चलची पेशेंट रो एथे ल्यूकोपेनिया टोटल डब्ल्यूबीसी कमी छि डिफरेंशियल किछि ठीक आसुनी एई केस रे आपन को स्लाइड रिव्यू इज अ मस्ट विदाउट स्लाइड रिव्यू एई डिफरेंशियल देई परिबे नाही सेइत पेसिस जो स्टार मार्क मारी कि देई छि प्रथम पटले अलर्म्स ऑफ फ्लैग्स स्टार मार्क माने युडो को आपन प्लीज आउट रिव्यू करंतु एते कम काउंटर से भलो डिफरेंशियल दे परिवो नाही सेम 35 अछि ए 350 अछि सेत पई देखौनी एडो केस देखंतु बहुत हाई सेल काउंट एडी कोन हे छि लिम्फो अछि एटी भरी एनआरबीसी अच्छे ये मनोगुड़ा ये मनोगुड़ा एक्चुअली एट था कि केस कौन मनो बढ़ी गला बढ़ी के बड़ बड़ बहुत मन हो तो किसी मनोसाइट अच्छी किसी इमेच्योर मनोसाइट अच्छी एरिया कारण यहाँ है लार्ज इमेच्योर सेल एरिया को किसी मनोसाइट पड़ी सिमिलरली न्यूट्रोफिल भी किसी इमेच्योर एरिया को पड़ी ताले एटा ला न्यूट्रोफिल एटा लेफ्ट शिफ्ट एटा देखो लेफ्ट शिफ्ट न्यूट्रोफिल पूर्व पुरुष मोनोसाइटोसिस रो भी पूर्व पुरुष अछंती इओसिनोफिल रो भी पूर्व पुरुष इटी अछंती तो मोस्ट प्रोबली ए केस रे हम कोन कहबो एटा होची कोन सीएमएल क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया सही केस रे सब प्रकार सेल बढ़ी थाए टोटल डब्ल्यूबीसी बढ़ी थाए
मोनोसाइटोसिस मध्ये देखा जाए इओसिनोफिलिया मध्ये देखा जाए किंतु जेहेतु एही सेल जको ता बोन मैरो रे भर्ती हे छि ता प्लेटलेट कमी कि 24000 हेलानी तो लिम्फोसाइट जदि एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट थांता से एही पटे आस्थांता किंतु नाही ये बां पट बढ़ी छि माने एनआरबीसी अछि मोनोसाइट डाहन को बढ़ी छि माने मोनोसाइट अछि लार्ज इमेचर मोनोसाइट भी अछि न्यूट्रोफिल बढ़ी छि डाहन को बढ़ी छि माने न्यूट्रोफिल अछि आउ इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स मध्य इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स मध्य अछन जेति सेम एटी आउट के सीएमएल रो न्यूट्रोफिल केवल प्रोलिफरेट करी छि ए एरिया रे एटा इमेच्योर सेल काउंट एरिया एरो एक्यूट ल्यूकेमिया केस ड्यूटी की टोटल टीएलसी हो 46,000 अच्छी एमएल मोनोसाइट पॉपुलेशन मोनोसाइट एरिया सी बढ़ी किसी न्यूट्रो बढ़ी तो यही केस जना तो पड़गला कि सेल काउंट बहुत हाई सेल जहाँ भी बढ़ी हूँ न्यूट्रो आ मोनोसाइट आउ किसी पड़ी ना तो मैंने आम अनुमान करवा नेक्स्ट कौन टाइप ल्यूकेमिया पारे तो गोटे स्कैटरग्राम एक्चुअली मुझे कितने प्रकार इनफर्मेसन दूसरी कि सेल काउंट बढ़ी मैंने ल्यूकेमिया कौ सेल टाइप बढ़ी से जना पड़ा कौ टाइप ल्यूकेमिया पारे ये कतरा प्रोबेबल केसेस जो थे देखते प्लेटलेट कम अच्छी आरबीसी कहली आनेमिया टी अच्छी टीएलसी बढ़ी की 52,000 ये प्लट देखिए आउ न्यूट्रोफिल अलग देखा जाटा एक्चुअली गोटे पपुलेसन गोटे टाइप रेल सी कौन न्यूट्रोफिल एरिया को माड़ आस सबाई कंप्यूटर तो चिंची ना एरिया जी आस न्यूट्रोफिल देखो 27,000 ये केवे भी न्यूट्रोफिल नाटा सब गोट थी मोनोसाइट ये टोटाल पपुलेसन एमती कहीं ना अल्प किसी लिम्फो अच्छा ना मोस्टली मोनोसाइट मत पचरा गोटे एक्यूट ल्यूकेमिया हो पारे स्लाइड देखने जना पड़ मोस्ट प्रोबेबली मोनोसाइटिक पारे यहाँ देखते सीएलएल सीएलएल कौन हुए केवल लिम्फोसाइट बढ़ी जाए बहुत मात्रा बढ़ी जाए 93,000 हो लिम्फोसाइट हूँ 80,000 बहुत मात्रा लिम्फोसाइट बढ़े किंतु गोटे जिन भल यार कौन सीएलएल सब जाक लिम्फोसाइट मैच्योर था मैंने देख सब ये अच्छा जी ब्लास्ट होता लिम्फो ब्लास्टिक ए सीएलएल नुह कि एएलएल होता ये एमती ब्लडटे आसता लिम्फो ब्लास्ट भाया एवं कौन है ये लिम्फोसाइट भाया प्रोलिफरेट कल तो यहाँ हूँ एंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हिस्टोग्राम्स।